Hello everyone, today we will be studying modal verb can, and this modal verb is used in different situations or circumstances. For example, when we talk about power, possibility or ability, offer, order or request or permission, we use this verb. For example, if I say I can speak English, this is an ability. And if I say, can you pass me the pen? This is a request. And if I say, can I help you? This is an offer. And if I say, smoking can cause cancer? This is a possibility. And if I say, can I use your book please? This is taking permission. So, ऐसे circumstances और situations में हम can use करते हैं. एंड अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी के जिन सेंटेंसेस के एंडिंग वर्ड्स में सकता है, सकती है और सकते होते हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली हम कैन का ही यूज़ करते हैं या कैन के यूज़ के थ्रू ही वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अफर्मेटिव सेंटेंस. फॉर क्रिएटिंग एन अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज टू पुट सब्जेक्ट, देन कैन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज शी कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेस. दैट मीन्स वह 10 भाषाएं बोल सकती है. आई कैन टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ. एंड वी कैन मीट 6 o'clock इन द इवनिंग, और हम शाम को 6 बजे मिल सकते हैं. एंड लेट्स मूव ऑन टू नेगेटिव. फॉर क्रिएटिंग अ नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट सब्जेक्ट, देन कैन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई कैन नॉट हेयर योर वॉइस, दैट मीन्स मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता. ही कैन नॉट लीव ऑफिस बिफोर 5 o'clock, दैट मीन्स वे 5 बजे से पहले ऑफिस नहीं छोड़ सकता. एंड द थर्ड इज दे कैन नॉट ट्रैवल ड्यू टू द लॉकडाउन, दैट मीन्स वे लॉकडाउन की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते. So now let's move to interrogative sentences. For creating an interrogative sentence, first of all you have to put can, then subject, then first form of the verb, and then object, and then question mark. So the first sentence, the first interrogative sentence is, can I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Can you lend me 50 rupees? क्या आप मुझे 50 rupees उधार दे सकते हैं? And can he forget my birthday? क्या वह मेरा बर्थडे भूल सकता है? And now let's move to interrogative negative. So for creating an interrogative negative sentence, first of all you have to put can and then subject, then not, then first form of the verb and then object and then question mark. So the first sentence is can I not come to meet you? That means क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? Can I not help my friend? क्या मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकता? And can she not apply for this job? क्या वह इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती? एंड मैं आपको फिर से याद रखना है कि जो भी आप कैंसर सेंटेंस बना रहे हैं उसके लास्ट के जो वर्ड्स हैं, एंडिंग वर्ड्स, वो सकता है, सकती है और सकते हैं आपको रखना है. इस चीज़ को अगर आप माइंड में रखेंगे तो दे आर वेरी इजी टू फॉर्म, दे आर वेरी इजी टू क्रिएट. एंड आई होप यू अंडरस्टूड. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड.